बॉलीवुड के हीमन धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी अपनी असफलता के लंबे वनवास को पूरा करने के बाद अब फिर से कामयाबी के सिंहासन पर बैठने चले हैं। दोनों की फिल्में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सनी देओल जहां पर सोलो हीरो के तौर पर साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्ट हो रहे हैं, जबकि बॉबी देओल अपनी निगेटिव जर्नी की नई स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर वो पूरे पैन इंडिया पर निगेटिव रोल करने के लिए मशहूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार कास्ट के लोग बॉबी को अपनी फिल्मों में बतौर निगेटिव लीड साइन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बहरहाल सनी बॉबी एक चीज और कॉमन शेयर करते हैं, वो है उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने जब धर्मेंद्र से मैरिज की थी तब सनी और बॉबी दोनों सबसे मोस्ट एंग्री पर्सन थे, बिकॉज दोनों अपने 18 प्लस के आसपास थे। सनी देओल तो बड़े थे, बॉबी भी 18 साल के आसपास पहुंच चुके थे। ऐसे में सनी बॉबी ने कभी इस मामले में चुप्पी नहीं तोड़ी सिवाय दो इंटरव्यूज के। सनी देओल ने अपनी पूरी बात कॉफी विद करण में कही थी, जबकि बॉबी देओल ने अपनी बात एक मैगजीन को बताई थी। सनी देओल ने तो यहाँ तक कि उन आरोपों को खारिज किया था, जहाँ पर यह कहा गया कि सनी देओल इतने खफा थे कि अपनी माँ के ब्याह पर वो हेमा मालिनी पर चाकू लेकर दौड़ पड़े थे। इस पूरी खबर को बकवास बताते हुए सनी ने कहा था उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, हाँ गुस्सा जरूर था, बट अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। इसके बावजूद उनका जो हेमा से रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा फेयर है और बहुत ज़्यादा कॉमन तौर पर वो मिलते रहते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की पार्टीज में मिलना हो या फिर परिवार के बहुत ही ज़्यादा गेट टुगेदर में। कुछ रेयर फोटो भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं जहां पर सनी देओल और हेमा मालिनी के साथ नजर आते हैं, वो भी ठीक ठाक मुस्कुराते फॉर्म में। अब रही बात बॉबी देओल की, तो बॉबी देओल की आपको बहुत कम फोटो दिखाई देंगी, बिकॉज बॉबी देओल ज्यादा एंग्री हो गए थे। यहां तक कि अपने पिता की मैरिज के बाद वो इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने धर्मेंद्र की बात को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू बॉबी देओल, जब पापा ने ऐसी हरकत की तब मैं डिस्को जाने लग गया और बहुत ज्यादा रेबल हो गया, यहाँ तक कि मेरे पापा मुझे कोई एडवाइस देते थे मैं उनके एडवाइस को छोड़कर अपनी लाइफ में इस कदर बिजी हो गया था कि मुझे पसंद नहीं आते थे। उनको और मेरा रिश्ता बहुत खराब चल रहा था, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। इस पूरे मामले में जो भी ठीक ठाक करने का श्रेय है वो सनी देओल को जाता है, बिकॉज सनी देओल पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी सौतेली माँ हेमा से एक तरह से पुरानी शिकवा मिटाकर एक दूसरे से हाथ बढ़ाया और रिश्ते को बहुत ज्यादा कॉमन बनाया। सनी देओल के आगे बढ़ने से बॉबी देओल रिलैक्स हुए, यहाँ तक कि जब ईशा देओल की मुलाकात पहली बार प्रकाश देओल से अरेंज हुई थी उसके पीछे भी सनी देओल ने ही ओपनली सारा अरेंजमेंट प्लान किया था। इस बात को ईशा देओल खुद अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि सनी भैया अगर नहीं होते तो हमारे परिवार सगे सौतेले के फर्क में फंसे रहते, कभी एक साथ नहीं आ पाते। सनी देओल के सी एफर्ट के चलते दोनों बहनें गदर 2 की सक्सेस पार्टी प्रीमियर में नजर आई थी और ये पहली बार था जब सनी पब्लिकली अपनी सौतेली बहन ईशा के साथ नजर आए थे। ईशा के साथ उस वक्त आहना भी थी। कुल मिलाकर सनी देओल के बड़े अच्छे दिल वाले बिहेवियर के चलते ही देओल परिवार में सब कुछ नॉर्मल हुआ और सनी देओल अगर हेमा मालिनी से मांडवाली नहीं करते तो इस परिवार में इस तरह की घटनाएं झगड़े होते ही रहते।